हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो क्या वो इंश्योरेंस क्लेम ले सकता है। इसके लिए IRDAI ने गाइडलाइंस इशू की हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से यदि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो क्या वो इंश्योरेंस क्लेम ले सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें कि कहा गया है कि यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस भी कवर किए गए हैं तो उस केस में क्या कोरोना वायरस के केस में इंश्योरेंस क्लेम लिया जा सकता है। इसके बारे में बताया गया है, वेयर हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड इन अ प्रोडक्ट इंश्योरेंस सेल इंश्योर दैट द केसेस रिलेटेड टू कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 शैल बी एक्सपीडिटली हैंडल्ड। यानी कि यदि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपका कवर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस में तो आपको क्लेम दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसके अलावा IRDAI के द्वारा ये भी कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ एडमिसिबल मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग क्वारंटाइन पीरियड शैल बी सेटल्ड इन अकॉर्डेंस टू द एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्सटेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट के दौरान होंगे उन्हें भी सेटल किया जाएगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा IRDAI ने ये कहा है, All the claim reported under COVID-19 shall be thoroughly reviewed by the claim review committee before repudiating the claims। यानी कि यदि क्लेम को रिजेक्ट करना है तो पहले क्लेम रिव्यू कमेटी अच्छे से रिव्यू करेगी, उसके बाद ही रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा IRDAI ने यह भी कहा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नीड बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इंश्योरर्स आर इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट फॉर वेरियस स्पेसिफिक डिजीज इंक्लूडिंग वेक्टर बोर्न डिजीजेज For the purpose of meeting health insurance requirement of various sections, insurers are advised to design product covering the cost of treatment for coronavirus। यानी कि इंश्योरर को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो कोरोना वायरस की डिजीज़ को कवर करने के लिए भी इंश्योरर प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। IRDAI की इंस्ट्रक्शंस इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गई हैं यानी कि 4 मार्च 2020 से। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें और कोरोना वायरस की जो एक्सपेंसेस हैं यदि कोई व्यक्ति इफेक्ट होता है तो उसे क्लेम कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स GST फाइनेंस एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।